वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज जो है फाइनली कुछ जो हमने गुलाब की कलमें लगाई थी उन सारी कलमों में से कुछ कलमों का है ना रिजल्ट आ चुका है, यानी कि उनमें ना कुछ न्यू पत्तियाँ आने लगी है। तो मैं दिखाता हूँ फटाफट आपको। तो गाइज चलते हैं फटाफट से गमलों के पास, पहले ले लेते हैं इस वाले गमले को। तो गाइज इसमें ये देखो, ये रही गाइज, रुको मेरी उंगली के पास देखो गाइज, एक तो ये रहा और एक और गाइज ये रहा, इधर से ये फूटा है और एक इधर से फूटा है और एक ये नीचे से और फूट रहा है गाइस, नीचे से और पत्तियाँ आ रही है, यानी कि गाइस कुछ दिनों में ना इसमें न्यू पत्तियाँ आने लगेगी इस पूरे पौधे में। और ये भी है ना गाइस, हमारे जो पहले वाला जो गुलाब का पौधा है ना उसकी तरह हो जाएगा गाइस, खतरनाक वाला। तो गाइस और कलमों को देखते हैं फटाफट। तो गाइस इसमें तो अभी नहीं हुआ कुछ भी, इस वाली गुलाब की कलम में तो गाइस अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो और आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं। तो गाइस इसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है इस वाली गुलाब की कलम में, देख सकते हो ये रही, इस गुलाब की कलम में भी गाइस अभी तक तो कहीं से भी पत्तियां नहीं है। ये पुरानी वाली पत्तियां शायद पूरी सूख जाएंगी गाइस, ये जो पत्तियां हैं ना ये वाली पूरी सूख जाएंगी, उसके बाद कहीं से फूटे तो गाइस हो सकता है। तो गाइस और आगे चलते हैं फटाफट से। तो गाइस इसमें भी ये दो जगह से फूटा है गाइस, ये देखो ये रही पत्तियाँ, एक तो ये आ रही है और एक बिल्कुल इसके नीचे आ रही है, ये देख सकते हो गाइस, ये रही मेरी उंगली जहाँ रखी हुई गाइस, ये रही ये देख रहे हो ये रही। तो गाइस इसी के साथ और आगे चलते हैं और मैं देखते हैं और मैं आया यानी और दूसरी वाली में। तो गाइस ये भी अभी पूरी तरीके से खाली है ये वाली कलम। और गाइस हमारा जो पुराना है ना गुलाब का पौधा है, हमने कटिंग की ना उसके बाद जो फर्स्ट गुलाब का फूल खिला ना गाइस, वो ये देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ये गुलाब का फूल, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है गाइस, मतलब इसकी जो ग्रोथ है ना गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है देखो। और ये फूल भी गाइस बहुत प्यारा लग रहा है। और अब भी इसके अलावा ना गाइस ये दो कलियाँ हो रही हैं देख सकते हो, और इधर भी है गाइस तीन कलियाँ, तीन से चार कलियाँ हैं गाइस इधर, तो इनमें भी गाइस ना फूल खिलेंगे और बहुत मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस ये फूल का। और ये देख ही सकते हो पीछे का बैकग्राउंड क्या लग रहा है यार गाइस, देख सकते हो वास्तव में। तो गाइस पौधों में पौधे मतलब गमले में है, हमने कल पानी भी नहीं डाला था तो पानी भी डाल देते हैं, और एक दो गमलों में थोड़े पत्ते हैं सूखे हुए उनको निकाल लेते हैं पहले। तो गाइस इस वाले गमले में से निकाल के पहले साइड में फेंक देते हैं, बाद में कल झाड़ू लगाएंगे तब तो हटा देंगे। तो गाइस ये पीले पीले जितने पत्ते हैं इनको भी तोड़ लेते हैं, और इधर तो बेटर है, इधर सही है गाइस, इधर से भी हटा देते हैं इसमें से भी। तो गाइस ये ग्रो बैग जो उसमें भी तीन से चार चार पत्ते आने लगे हैं, ये देख ही सकते हो आप। वैसे उसमें भी पत्ते सूख गए हैं थोड़े, हटा देते हैं। ये नींबू का पत्ता भी गाइस एक सूखा हुआ है उसे भी निकाल लेते हैं, इसमें भी गाइस एक गिरा हुआ है सूखा हुआ, इसको भी निकाल के फेंक देते हैं। तो गाइस इधर वाली लाइन में से हमने सब में निकाल लिए, सब में से निकाल लिए सूखे सूखे पत्ते, अब इनमें देख लेते हैं। तो गाइस इसमें से भी निकाल लिया मैंने, ये इसमें से भी एक ये सूखा हुआ ये भी निकाल लिया। तो गाइस अब ये हमने जितने भी पत्ते निकाले इन सारे पत्तों को एक बार समेट लेते हैं और नीचे फेंक देते हैं फटाफट। गाइस ये रहे ये इकट्ठे कर दिए मैंने, एक दो पत्ते और ये रहे। तो गाइस मैंने ये हाथ में भर लिए देख सकते हो आप, इनको फेंक देते हैं गाइस हम नीचे। गाइस ये सारे पत्ते तो फेंक दिए हमने, कल हमने पानी नहीं डाला है, तो गाइस फटाफट लेके आते हैं बाल्टी और पानी भी डाल देते हैं। तो गाइस ये बाल्टी, इसमें से ये सारा सामान हटा देते हैं, बाल्टी और मक्का लेकर आते हैं, मग्गे के लिए थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे भी नहीं है गाइस इसमें भी मग्गा नहीं है। तो ऐसा करते हैं इस चिमटे के डब्बों को पूरा खाली कर देते हैं, तो इसमें से इस मग्गे को यूज़ ले लेते। तो गाइस पहले मग्गा रख के आते हैं हम मग्गे वाली जगह पर, मतलब यहाँ रख के आते हैं। अब जो है गाइस बाल्टी को टंकी में डाल के इजीली बस बाल्टी ही लानी रहेगी। तो गाइस मैं पानी भरता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने बाल्टी भर दी है, चलते हैं फटाफट डाल देते हैं इसमें सारा पानी। तो गाइस ये रहा पानी भर लेते हैं, गमलों में डाल देते हैं एक एक गमलों में सब में।
तो गाइस आगे चलते हैं, फटाफट ग्रो बैग की साइड भी डाल देते हैं सारे गमलों में। तो गाइस धनिया के पास पास में जो मैं धीरे से डालता हूँ, वरना ये जो पौधे हैं नाजुक है, अभी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ये देख ही सकते हो आप, अभी एक हुआ था, इसीलिए धीरे से डालता हूँ इसमें। तो गाइस अब डालते हैं मीठे नीम के पौधे में पानी। तो गाइस अब डाल देते हैं नींबू के पौधे में। तो गाइस पानी खत्म हो चुका है और भर के लाते हैं फटाफट। तो गाइस अभी मैंने देखा ये छोटा वाला हमारा जो स्विमिंग पूल है ये भी भरा हुआ है, इसमें से ले लेते हैं गाइस पानी, इसमें से बाल्टी डाल के भर लेते हैं, बाल्टी लेकर चलते हैं गाइस फटाफट से वापस। तो गाइस इसी के साथ फटाफट से आगे आगे वाले गमलों में भी डाल देते हैं पानी। तो गाइस आपको ये भी पता होगा क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, इसीलिए बार बार मैं बोलने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है गाइस। बाल्टी को आगे लेते हैं फटाफट, इसे एलोवेरा में डालते हैं। डायरेक्ट डालता हूँ गाइस, तुम फिर मग्गा, अरे बच गया, फिर तो मग्गा चला जाता गाइस। आज जो है ना गाइस इधर है ना, मतलब ये गमले वाले जितना एरिया ना, एक दो बाल्टी पानी डाल के एक्स्ट्रा इसको धो भी देंगे, क्योंकि थोड़ा गमलों के पीछे पीछे टाइप पानी डाल देंगे, पीछे पीछे साइड। तो गाइस बाल्टी का पानी वापस खत्म हो चुका है, भर के लाते हैं फटाफट से। तो गाइस पानी तो भर दिया फटाफट से, अब डालते हैं। तो गाइस इसमें ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि फिर वापस धनिया गाइस, अगर धनिया के ऊपर डालता हूँ तो ये देखो धनिया जो है ना गाइस मुड़ जाता है, इसीलिए इसमें जो है ना गाइस बहुत ध्यान से पानी डालना होगा। तो गाइस इसमें जो है पानी भर दिया है, अब आगे वाले गमले में डाल देते हैं। देख सकते हो गाइस इस गमले में भी पानी डाल दिया है ना, पानी डालने का काम तो गाइस हुआ कंप्लीट। अब बाल्टी भर के लाते हैं, इधर गमलों के पीछे से डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि गमलों के आसपास की जो गंदगी है ना वो थोड़ी साफ हो जाए। तो बाल्टी भर लेते हैं गाइस फटाफट। तो गाइस मैंने बाल्टी तो भर ली है, मोबाइल भी आधा गीला हो गया छींटों से। तो गाइस अब डालता हूँ मैं पानी। तो गाइस इन वाले गमलों के पीछे तो मैंने डाल दिया है, अब इधर वाले गमलों के पीछे और डालते हैं। तो फटाफट और बाल्टी भर लेते हैं। तो गाइस मैंने हाफ बाल्टी भर लिया देख सकते हो, अब इधर से डालते हैं इन वाले गमलों के पीछे। तो गाइस इधर और डालना पड़ेगा क्योंकि पानी कम है। बाल्टी वापस भरते हैं।
इधर गाइस थोड़ा आगे से डालते हैं पानी, इधर से 2 मिनट और भर के लाते हैं गाइस थोड़ा और पानी। तो गाइस फटाफट से वापस बढ़ते स्विमिंग पूल में पानी। गाइस स्विमिंग पूल भी पूरा खाली कर दिया छोटा वाला, देख ही सकते हो आप लोग। इधर डालते हैं गाइस इधर से, ऐसे देख ही सकते हो गंदगी कितनी निकली है इनके पीछे से। पैरों से गाइस थोड़ा इधर से रखते हैं। वैसे गाइस कल हम पूरा इसे धोएंगे क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है इसके पीछे, तो उस ब्लॉग को देखने के लिए भी गाइस बने रहना चैनल पे। देख ही सकते हो गंदगी कितनी सारी गंदगी निकली है गाइस। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।